रुक तो हैया पार हो एक रुक 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 बढ़िया पंजे था भी बालू वाला था है गया लो हो गया इसको फाइनली पूरा नहला दिए हैं पानी में सुबह सुबह। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे। दोस्तों अभी सुबह का 8 बज चुका है और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों, तो आज के ब्लॉग को लास्ट तक देखिए और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों गांव का जिंदगी क्या होता है आज हम लोग आप लोग को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों हम लोग चिक्कू को नहा रहे हैं बढ़िया से पानी में साबुन लगा के। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, पानी लाओ थोड़ा सा, एक जगह दो पानी दो। रुक तो हैया पार हो एक रुक 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 बढ़िया पंजे था भी बालू वाला था है। रुक बहुत सारा दे छोड़ यहाँ चल सब मुझे डर हो रहा है। रुक रुक नहीं रुक रहा रुक रुक बदमाश। चल आई गया लो हो गया इसको फाइनली पूरा नहला दिए हैं पानी में सुबह सुबह। तो दोस्तों हम लोग देखिए परात लेकर के हम लोग जाते हैं अपना उधर टाण में और दोस्तों हम लोग को दिखाते हैं। चलिए जी दरवाजा बंद कीजिए। तो दोस्तों हम लोग निकलने लगे घर से और चिक्कू किधर है? चिक्कू आ चिक्कू चलो देखे चिक्कू इधर है, आजा आजा। चलिए जी तो दोस्तों हम लोग घर से निकल रहे हैं, आइए आजा चिक्कू। देखिए हमारा चिक्कू है, इसको भी लेते जाएंगे हम लोग, चिक्कू को भी साथ में लेकर के जाएंगे। देखिए चिक्कू का फोटो आप लोग को दिख रहा होगा। इधर टाँड है, उस टाँड में हम लोग आज गोबर जो होता है सूखा हुआ गोबर उसको हम लोग बीछेंगे दोस्तों और खाना बनाएंगे उसी। अक्सर गांव देहात में खाना उसी से बनाया जाता है। इधर चलिए ना जी, इधर देखिए यहाँ पर सूखा वाला है, यहाँ पर ही सूखा सूखा हम लोग का मिल रहा है, गोइठा हम लोग गांव देहात में बोलते हैं दोस्तों। देखिए इधर चिक्कू भी साथ में चल रहा है, देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर है, उठाइए। हम लोग इसको घर ले जाएंगे और चूल्हा में डाल के इसको हम लोग खाना बनाएंगे दोस्तों। खाना बनाएंगे, सब बनता, खाना भी बनता, धान भी। यहाँ पर है, उठाओ ना यहाँ पर ही। इसमें धान भी सिझाते हैं। हाँ धान उन सब सिझाते हैं इसमें, आगे भी है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इस परात में भर लेंगे पूरा और हम लोग पूरा कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों दिखाते हैं कितना जल्दी पूरा होता है। और आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का परात भर चुका है और देखिए रेणुका और भी लेके आ रही है गोइठा, गोबर गोइठा, और इसी से हम लोग अभी खाना बनाएंगे दोस्तों। लकड़ी ख़त्म हो गया, लकड़ी ख़त्म हो गया है, बहुत दुख की बात है, तो इसी को हम लोग
आज जलाएंगे। ये वाला उठाइए ना, उठाइए ये वाला, लाओ लाओ जल्दी लाओ। सूखल सूखल है ना सब? हाँ। बढ़िया जलेगा ना? कोयला को भी फेल कर देता है गोइठा। चलिए बहुत अच्छा बात है, गोइठा से बहुत अच्छा खाना। पूरा देखिए दोस्तों, हम लोग का पारा पूरा भर चुका है और अभी हम लोग घर निकलेंगे। अभी बहुत लेट हुआ दोस्तों, पूरा सूखा सूखा गोइठा खोजने के लिए हम लोग बहुत दूर तक चले आए हैं और देखिए पूरा जंगल साइड हम लोग आ गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पूरा पारात भर चुका है, अब हम लोग घर चलेंगे। चलिए उठाइए जी। तो दोस्तों हम लोग घर निकलने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। देखिए वो हम लोग का घर मकान रहा, देखिए हम लोग का मकान। देखिए वहाँ से आप लोग को दिखता होगा मेरा मकान। पकड़ देंगे का जी? देखिए उधर रख रही है, दरवाजा खोलिए। दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए हैं, अब हम लोग इससे खाना बनाएंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, गोबर गोइठा से हम लोग किस प्रकार से चूल्हा में डाल के खाना बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आग जला लिए हैं, देखिए रेणुका गोइठा डाल रही है चूल्हा में। इसी तरह से गांव देहात का जीवन होता है दोस्तों, लकड़ी नहीं रहता है, कोयला नहीं रहता है, तो हम लोग गोबर गोइठा से काम चलाना पड़ता है। देखिए और दो तीन को डाल दीजिए, हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। यदि हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का गांव देहात का ब्लॉग मैं आप सभी लोगों को बना के लगातार देता रहूं और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से बाय बाय। ए चिक्कू।